हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सब लोग? आप सब बढ़िया होंगे। गाइस सर, आज के इस वीडियो में हम ऐड करने वाले हैं इंडियन ट्रैफिक मोड को। अगर आप लोगों को भी अपनी बसिट गेम के अंदर इंडियन ट्रैफिक मोड इंस्टॉल करना है और डाउनलोड करना है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सबके लिए। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका भाई जो आपके लिए ऐसे ही नए नए मोड्स लेकर आता ही रहता है बस सिमुलेटर इंडोनेशिया से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस सबसे पहले तो आप लोग जो इस इंडियन ट्रैफिक मोड को चेकआउट कर सकते हो, इसके अंदर गाइस आप लोगों को ढेर सारे इंडियन व्हीकल देखने को मिलेंगे। और गाइस यहाँ पे जो JB1 बस है उसका इंटीरियर वगैरह सब कुछ आप लोगों को इंडियन देखने को मिलेगा, एंड इसके हॉर्न भी भाई आप लोगों को भाई मस्त देखने को मिलेंगे। तो यार ट्रैफिक मोड एकदम रियलिस्टिक एंड मजेदार होने वाला है, और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ऐड करना है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो बस आप लोगों ने करना कुछ ये नहीं है, इस वीडियो को यार लाइक कर देना है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए गाइस अपने इंडियन ट्रैफिक मोड को अभी डाउनलोड करते हैं एंड अपनी गेम के अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं। गाइज अभी इंडियन ट्रैफिक मोड को डाउनलोड करने के लिए सिंपल गाइस आप लोगों ने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है, डिस्क्रिप्शन में आने के बाद गाइस मैंने वहाँ पे आप लोगों को एक लिंक दिया है जहाँ पे लिखा होगा इंडियन ट्रैफिक मोड डाउनलोड लिंक, एंड उसके नीचे आप लोगों को इस तरीके से एक वीडियो का लिंक दे दिया। आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने ये वाला वीडियो जो ओपन हो जाएगा, एंड गाइस इस मोड के अंदर आप लोगों को कोई भी पासवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने गाइस बस इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जो है लाइक कर देना है, क्योंकि भाई ने अभी पासवर्ड नहीं दिया तो यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि यार बहुत सारे मोड्स में आपको पासवर्ड मिलता है जो कि भाई बहुत बुरा लगता है, वो मिलता भी नहीं है पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बिना पासवर्ड के आप लोगों को ये इंडियन ट्रैफिक मोड मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है गाइस आपने ओपन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद गाइस इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक मिल रहा है, इस तरीके से देख सकते हो। आपने सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे गाइस आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से एक वेबसाइट जो है ओपन होगा। इस तरीके से ये हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब सिंपल गाइस यहाँ से आपने स्क्रोल डाउन करना है और नीचे आना है। गाइस यहाँ पे अब जैसे आप लोग नीचे आओगे, नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो, बसिट वर्जन 4.3.2 मोड APK ग्राफिक मोड बाय टीम KBR, ठीक है। इसके नीचे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, आपने सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को OBV फाइल का लिंक मिल जाएगा, आपने यहाँ से OBV फाइल डाउनलोड कर लेना है। और जो तीसरे नंबर पे लिंक है गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो हमारा मैप डाउनलोड करने के लिए लिंक है, यहाँ से हमें इस फाइल को भी डाउनलोड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस फाइल को जो है डाउनलोड करते हैं। इस फाइल पे हमें क्लिक करना है, और जैसे हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद गाइस आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, एंड यहाँ पे आपने देख सकते हो ऐड वगैरह आती है, तो ऐड को हम क्लोज कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये लिंक आ रहा है, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने GP लिंक्स का जो वेबसाइट ओपन होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर GP लिंक्स का जो मोड है डाउनलोड नहीं करना था, मतलब GP लिंक्स एक वेबसाइट है जहाँ पे हम मोड शेयर कर सकते हैं एंड यहाँ से हमें अर्निंग भी होती है। तो यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है GP लिंक से वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये एक टाइमर चल रहा है, ऐसा टाइमर आप के सामने यहाँ पे 3 बार चलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट जो है स्टेप होने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये टाइमर खत्म हो जाएगा यहाँ पे एक नया लिंक आएगा, यहाँ पे वेरीफाई लिखा होगा, तो हमें वेरीफाई पे क्लिक करके नेक्स्ट नीचे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, यहाँ हमारे देख सकते हो टाइमर अभी खत्म होने वाला है, और जैसे यहाँ पे सेकंड खत्म होएंगे तो वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, इस पे आपने गाइस क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें स्क्रोल डाउन करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये कंटिन्यू का बटन आएगा, आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। अभी गाइस हमने एक बार ऐसा कर लिया है, और दोबारा से हमें ऐसा 2 बार और करना है, एंड यहाँ पे देख सकते हो टाइमर फिर से हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है। टाइमर शुरू हो चुका है गाइस, एंड यहाँ पे जैसे ये टाइमर खत्म होगा फिर से वेरीफाई ऑप्शन आएगा, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। वेरीफाई के बाद हमें फिर से नीचे जाना पड़ेगा एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। तो टाइमर हमारा खत्म होने देते हैं भाई। ये GP लिंक्स का मतलब कोई भी लिंक हो, GP लिंक का आप लोग इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा टाइमर खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई का बटन आ चुका है ये वाला, देख सकते हो। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रोल डाउन करना है, और स्क्रोल डाउन करने के बाद नीचे आ जाना है, और उसके बाद फिर से गाइस देख सकते हो कंटिन्यू का एक बटन आ रहा है, आपने सिंपल इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद लास्ट स्टेप होने वाला है, ये हमें फिर से हमें 15 सेकेंड यहाँ पे वेट करना है। इस तरीके से ये फिर से टाइमर शो होगा, एंड यहाँ पे ऐड वगैरह ज़्यादा नहीं आती हैं, तो यहाँ से डाउनलोड करना थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो टाइमर चल रहा है अभी,
और मोड आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। हमें यार तीन फाइल को डाउनलोड करना है। सबसे पहले हमें एपीके फाइल को डाउनलोड करना है, उसके बाद गाइस हमें ओबीवी फाइल को डाउनलोड करना है, और तीसरे नंबर पे जो हमारे मैप डाउनलोड नहीं होते हैं ना गाइस ट्रैफिक मोड के अंदर, तो वो मैप डाउनलोड करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस वेरीफाई पे बटन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद वापस से हमें स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पे हमें वापस से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये हमारा कंटिन्यू का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस हमारा जीपी लिंक्स का नेक्स्ट जो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ये टाइमर हमारा खत्म हो जाएगा, 3 सेकंड का टाइमर होगा एंड उसके बाद गेट लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे इस तरीके से एड ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपने गाइस पहले क्या कर लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा शेयर मोड्स का लिंक है, यहाँ पे अभी हमें इस पे भी क्लिक करना पड़ेगा भाई। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर दूसरा वेबसाइट ओपन होता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बैक कर देना है। जैसे दूसरा वेबसाइट ओपन होता है, आपको लगे कि दूसरा वेबसाइट ओपन हो रहा है फेक, तो आपने गाइस बैक बटन प्रेस करना है, बैक कर लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड लिखा होगा, आपने फिर से इस पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे फिर से दूसरी वेबसाइट ओपन होती है तो आपने बैक करना है, और यहाँ पे आपने फिर से गाइस डाउनलोड पे बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड फिर से दूसरी वेबसाइट ओपन होती है तो हम बैक करके फिर से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ऐसा हमें जब तक करना पड़ेगा जब तक हमारा गाइस फाइल डाउनलोड नहीं होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देख सकते हो हमारा यहाँ पे एपीके फाइल डाउनलोड होना शुरू हो चुका है एंड हमारा ये सबसे पहला नंबर पे एपीके फाइल हमारे डाउनलोड हो चुका है। देख सकते हो गाइस कुछ सेकंड के अंदर ही हमारा जो फाइल है डाउनलोड हो चुका है, 350 MB के आसपास है ये। ठीक है, तो आपने यहाँ से सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे हम बैक करेंगे और वापस से हमें उसी वेबसाइट में जाना है जहाँ से हमने इस एपीके फाइल को डाउनलोड किया है, तो यहाँ से हम एक एक करके बैक कर देंगे। बैक आने के बाद गाइस आपने वापस से इसी वेबसाइट पे आ जाना है एंड यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एपीके फाइल को डाउनलोड कर लिया है। ये फाइल गाइस हमारा जो डाउनलोड हो चुका है एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे एक ओबीबी का लिंक मिल रहा है, आपने अब इस पे क्लिक करना है। ये भी हमारा जीपी लिंक ही है, सेम टू सेम ऐसे इसको भी डाउनलोड करना है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे फिर से यहाँ पे वही टाइमर आएगा, ऐसे में आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को जीपी लिंक्स कैसे डाउनलोड करना है, सेम टू सेम आपने यहाँ पे एपीके को भी डाउनलोड कर लिया है और अब ओबीवी फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो आपने गाइस अब मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ क्योंकि आपको डाउनलोड करना तो आ ही गया होगा, यहाँ से आपने सेम टू सेम वैसे ही डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक नीचे एक और लिंक मिल रहा है, आपने सिंपल इसको ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा एपीके डाउनलोडर फाइल है, तो यहाँ पे ये जो डाउनलोड करना थोड़ा ईजी है, देख सकते हो इसके अंदर आपका टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने आएगा क्रिएट डाउनलोड लिंक, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर दूसरा वेबसाइट ओपन होता है तो गाइस आपने बैक कर देना है। बैक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों के सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा डाउनलोड का, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। और जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद गाइस आपका जो फाइल है ये मैप डाउनलोड फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने दोनों फाइल को डाउनलोड कर लिया है। अब गाइस मैं तीसरे फाइल को भी डाउनलोड कर लेता हूँ जो हमारी ओबीवी फाइल है, तो आपने भी क्या करना है गाइस ओबीवी फाइल को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं बैक कर दूंगा और उसी वेबसाइट में जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं ओबीवी फाइल अपनी डाउनलोड कर लेता हूँ, तो आपने भी सेम टू सेम डाउनलोड कर लेना है जैसे आपने एपीके फाइल को डाउनलोड किया था। तो यहाँ से मैं वीडियो को कट कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही तरीका रहने वाला है इसको डाउनलोड करने का। ठीक है, तो मैं डाउनलोड करके फिर बताता हूँ कि इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है। गाइस आई होप कि आप लोगों ने जो फाइल्स हैं डाउनलोड कर ली होंगी। अब गाइस अपनी गेम के अंदर इसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए गाइस सबसे पहले तो आपने अपनी पुरानी गेम को जो है यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहला काम यही करना है, आपने अपनी पुरानी गेम को अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद गाइस आपने गाइस जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने के बाद मैंने वहां पे आप लोगों को इस एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां से आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद गाइस यहाँ से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक डाउनलोड का फोल्डर देखने को मिलेगा, इस तरीके से ये वाला फोल्डर है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस जो फाइल आप लोगों ने डाउनलोड की है एपीके ओबीवी एंड गाइस मैप डाउनलोडर फाइल, वो आप लोगों की जो फाइल है इसके फोल्डर के अंदर आ चुकी है। गाइस अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए होगी एपीके डाउनलोडर फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारी एपीके मैप डाउनलोडर फाइल, यहाँ पे देख सकते हो ये वाली फाइल आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ये फाइल आप लोगों को मिलेगी आपके इसी फोल्डर में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है बस्टेड वर्जन 4.3.2 मैप डाउनलोडर। ठीक है, आपने सबसे पहले इस फाइल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन आएगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के
बाद ये जो एप्लीकेशन आ रहा है यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल बटन पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे उसके बाद गाइस ये जो आपका मैप डाउनलोडर एपीके फाइल है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वापस से आप लोग ने इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है और अपने इस एपीके फाइल को इंस्टॉल करना है। सबसे पहला काम आपने यही करना है। जैसे गाइस ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद यहाँ से एक बटन आएगा ओपन का, आपने यहाँ से इसको कुछ सेकंड के लिए ओपन करना है और यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद गाइस ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बैक चला जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे बैक हो चुका है। अब आपने यहाँ से बैक करना है, बैक करने के बाद गाइस उसी फोल्डर में आना है डाउनलोड वाले में। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हमने इस वाली फाइल को इंस्टॉल कर लिया है। अब गाइस हमें जो फाइल इंस्टॉल करनी है वो हमारी एपीके फाइल, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी अभी एपीके फाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी एपीके फाइल है वो भी हमें मिल चुकी है। यहाँ पे लिखा होगा बसिड वर्जन 4.3.2 ग्राफिक मोड, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक मोड आप लोगों ने देख लेना लिखा हुआ, इस फाइल पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद वापस से आपने व्यू पे जाना है। व्यू में जाने के बाद ये फोल्डर आएगा, इसको ओपन करना है और यहाँ पे देख सकती है फाइल आ चुकी है। आपने इस फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद गाइस इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे आपकी जो फाइल है गाइस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस सेकंड नंबर पे हमें इस एपीके फाइल को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट, तो आपने अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपका जो एपीके फाइल गाइस इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर आप लोगों का एपीके फाइल इंस्टॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एपीके नॉट इंस्टॉल, तो आपने क्या करना है यहाँ पे अपने फोन के जो कुछ एप्स है उसको डिलीट कर देना है और उसके बाद गाइस आपने इस एपीके फाइल को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा एपीके इंस्टॉल हो चुका है। आपने सिंपल यहाँ से डन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे डन बटन पे क्लिक कर दोगे यहाँ से हमारा ये सेटअप कंप्लीट है। अब हमें बैक जाना है और अपनी ओबीबी फाइल को ऐड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस नीचे ही हमें अपनी बसिड की इंडियन ओबीबी फाइल, यहाँ पे देख सकते हो इंडियन ट्रैफिक ओबीबी फाइल मिल जाएगी। आपने इस फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस से व्यू वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ये जो फोल्डर आ रहा है इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ये जो फाइल आ रही है इस पे क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है 5 सेकंड के लिए, और उसके बाद गाइस यहाँ पे एक बटन आएगा कॉपी का, आपने इस कॉपी वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपने एक बार यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस ऊपर देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉइड का फोल्डर आ जाएगा, आपने इस एंड्रॉइड वाले फोल्डर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक ओबीबी का फोल्डर आएगा, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे बसिड सिमुलेटर इंडोनेशिया का फोल्डर आएगा, आपने इसको ओपन करना है। उसको ओपन करोगे तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ये फोल्डर इज एम्प्टी, एंड यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है अपनी फाइल को पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो नीचे आइकन आ रहा है आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग गाइस यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो मोड फाइल है ऐड हो जाएगा, ओबीबी फाइल लग चुका है। एंड यहाँ पे हमारा तीनों ही स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। आपने यहाँ से सब कुछ अब हटा देना है। अब गाइस आपने डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ अपनी गेम को ओपन करना है और डेफिनेटली गाइस इतना करने के बाद आपकी जो गेम है फुल रन करने वाली है। तो चलिए आपके सामने यहाँ पे लाइव में अपनी गेम को जो है ओपन करके दिखा देता हूँ। गाइस यहाँ पे आप लोग फाइनली चेकआउट कर सकते हो, जो गाइस हमारी गेम है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इस तरीके से गाइस आपने अपनी गेम को ओपन करना है और जो आपकी गेम है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम आपकी गेम ओपन नहीं हो रही है तो आपने क्या करना है, 2-3 बार इसको यहाँ पे कट करके बार वापस से जो है स्टार्ट करना है, आपकी जो गेम है स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने फोल्डर को जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जो गेम है ट्रैफिक मोड हमारा इंडिया का लग चुका है। और गाइस हम अगर बात करें अपने सभी बसिड मैप की, तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे मैप है भाई सारे मैप डाउनलोड हो चुके हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपके सभी मैप भी डाउनलोड हो जाएंगे। तो यार आज की वीडियो में बस यही था, वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट गाइस यार मैंने जितना भी हो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपकी जो फाइल है अच्छे से आप लोग लगा पाओ। और अगर आप लोगों को फिर भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो आप लोग गाइस कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।